लगाना है लेडी से लेके तो चले जाती हैं, जहाँ तक लगाती हैं तो वही परेशानी रहती है कि कपड़ा नहीं फेंक रही। ये दाता बिल्कुल नीचे है, अगर चाहें तो आप जिस तरह नया दाता लग रहा है आपका दाता चल सकता है। अभी मैं आपको नया लगा के दिखाऊंगा उसकी सेटिंग, वो वैसे ही सेटिंग इसकी भी करोगे ये भी चल जाएगा। लिहाजा मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ कि दाता लगाने का, परेशान होती है लगाने के बावजूद भी कपड़ा नहीं फेंकती। तो आपने ये दांत लगाया, अब ये देखना है इस तरह, ये अभी दांत पैकिंग लगेगी इसके अंदर। अब आपने नीचे से ये खोलना है, उधर खोलना हल्के, ये हल्के से चोट मारनी है, ये उठ रहा है। अब यहाँ गौर करेंगे, ये उठ रहा है, देखो ये आ रहा, ये ज़्यादा ऊपर है। अब नीचे से इसको आराम से उठाना, अब ये हल्के से आपने चोट मारनी है, आगे फंस देना है, तो नीचे से दबा भरो कानों को पीछे दबा। अब इसको नया दांता हो या पुराना हो, ये देखो यहाँ बैठा हुआ है दांता। अब इधर पैकिंग लगेगी पीछे, अभी आलना है दो तीन चूड़ी, यहाँ से खोलनी है आपने, ये आपने खोला, पूरा नहीं निकालना दांत, ये पैकिंग है, इस हिसाब से लगानी है, अंदाज़ा कितना बैठा हो उस हिसाब से आपने पैकिंग लगानी है। घर में या जो भी चीज़ हो, ये आपने इस तरह पैकिंग लगानी है। ये जब पैकिंग लगाएंगे आप दांता, लेना हल्का सा यहाँ से भी आपका बराबर हो गया। अब ये दांत पैकिंग लगाने से और ऊपर हो गया, अब आपने अब ये वापिस इस जगह से हल्का सा उठाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, नहीं तो दांत एकदम नीचे आ जाएगा। अब इधर ना नीचे हो, अब ये आपकी लिमिट बिल्कुल बराबर है। अब इधर से आपने वापिस पेंच कस देना है का? अब गौर कर, आपका यहाँ से दबाओ, ना नीचे से ना पीछे से, बिल्कुल पैकिंग के ज़रिए आपने एक सा कर लेना। और अब एक और ये देखना है, इधर किनारे किनारे के हिसाब से आपने ये बराबर सुराग रखना है, एक सा यहाँ से जीरिए, ये आपने हल्का सा दाता इस जगह से हल्का सा बस ये करना। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, ये ना हो कि आड़ा हो या टेढ़ा हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया आपका। सुराग से अंदाज़ा लगाना, जब ये सुराग बराबर हो जाए फिर देख लेना, अब ये बिल्कुल झिरियाँ एक सी हो गई हैं। अगर ये टेढ़ी होंगी तो कपड़ा घुमाने का बात, कपड़ा सही नहीं फेंकेगी। तो अब ये आपका दाता हो गया हंसना है, आप गैस, अब ये दाता बिल्कुल एक सा हो गया सही है। अब पीछे पीछे टकराने का, अगर ये देख रहे हैं पीछे जगह बहुत तंग है, टकरा रहा है, तो आपने दो चूड़ी ये खोला, अब यहाँ से आपने ऊपर कर लेना है, ये कस लिया इसको दोबारा। अब आप देखें पीछे आपको चाहिए यहाँ भी ना टकराए, ना यहाँ टकराए, अगर आ रहा है आपका, अगर यहाँ टकरा रहा है आपका, तो यहाँ से पेंच खोल के आपने इस जगह से पेंच खोलना है, इस जगह से पेंच खोल के हल्का यहाँ से पेंच कस, इस जगह पेंच कस से उठाना है, ये सब पीछे टकरा रहा है तो हल्का सा दबाना है, फिर इसको कस लेना है। अब ये आप देखें कि दाता अब ना यहाँ से टकरा रहा है, यहाँ से टकरा रहा है, ना पीछे से टकरा रहा है, ये आपके दांतों की लिमिट बिल्कुल बेहतरीन हो गई है। और इसी तरह आप पुराने इसमें से मेल नया दाता लगाने का तरीका आप गौर से देखें, बिल्कुल बराबर हो गया, ना ज़्यादा ऊपर रखना है आपने, ना नीचे, बिल्कुल माचिस की तीली के हिसाब से अंदाजे से रखना है जो आपकी फेंक सही करे। ये हो गया आपका क्लियर। पुराना दाता भी इसी तरीके से आप, अगर नया लगाने की गुंजाइश नहीं है, पुराने को भी इसी पैकिंग के ज़रिए आप उठा सकते हैं, झिरियाँ सफ़ा करके आपका पुराना भी करामद हो सकता है। दाता लगाने का तरीका बताया, ये लिमिट हो, और ये याद रखना है कि जब बड़ी चाल हो जाए तो पीछे भी ना टकराए, ना इस जगह टकराए, अगर यहाँ टक जैसे कि यहाँ टकराए, यहाँ टकराए तो मैंने बताया ये नट खोलना है, पेंच खोलना है आपने, यहाँ से उठा के आपने अंदाजे से अपने सेटिंग करके पर चेक कर लेना। अब ये सारा आपका काम हो गया, अब दोबारा सारे नट कस दें आप। ये हो गया आपका क्लियर दाता, ना यहाँ टकराए, ना यहाँ टकराए, पैकिंग से आपने एक सा करना है नीचे।
अब आपने यहाँ से खोलना, ये याद रहे ये ऊपर रहना है। अब आपने आराम से ऊपर कर लेना, ये आपका बराबर हो गया, इतना लिमिट हो। फिर यहाँ से आपने कस लेना ताकत से, अब ये आपका ओके हो गया। अब आपकी फेंक में बिल्कुल सीधा स्ट्रेट दाता है, ओके बिल्कुल क्लियर चल रहा है आपका। भाई ये याद रखना, पेकिंग के ज़रिए आपने दाँते को एक सा रखना है, ये नहीं कि आप घर से पे ला के लगा दें, टेढ़ा मेढ़ा सब लगाओ, उससे नहीं होगा। जब तक आपने ये दाँते को इस हिसाब से बिल्कुल अंदाज से ना रखे, अगर पीछे दबा हुआ था हमने पीछे पैकिंग लगाई एक सा कर दिया, अगर आगे दबा हुआ तो आगे पैकिंग लगानी है, स्ट्रेट रखना है। और झिरी को सुराखों की ज़्यादा टेढ़ा तो नहीं है, अगर टेढ़ा है तो हल्का सा पेचकस से घुमा लेना आपको, इधर हो गया। ये बारीक चाल है, ये इंशाल्लाह अब तक के लिए इतना। मेरा अगर चैनल देखने वालों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे से आगे पूछा के मेरी हौसला अफजाई करें। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।